अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो दोपहर के बज रहे हैं 12 और दोपहर धूप निकल चुकी है। बारिश के बाद दो दिनों बाद धूप निकली है और बहुत ही तेज़ निकली है। लग नहीं रहा है कि बारिश होनी है। अब दोबारा देखते हैं, मैं आपको धूप दिखाती हूँ। देखिए कैमरे में तो सही से कैप्चर नहीं हो रहा है, पर अब आँखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था, इतनी तेज़ धूप यहाँ पर थी। सो चलो अच्छा ही है, अब धूप निकली है। यहाँ तो पानी वगैरह जमा नहीं हुआ था मेरे एरिया में, पर जहाँ हुआ था उनके लिए अच्छा है। फ़ौरन तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके फिर अब वो उनका मसले भी हल होना शुरू हो जाएंगे। धूप निकल आई है इसलिए तो अच्छा है, ये भी अच्छा ही है कि वेदर चेंज हो गया। काफ़ी नुकसान हो रहे थे, काफ़ी परेशान थे लोग, अब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा डाई चेक कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को अपना डाई दिखाऊंगी, तो ये मैं जो कलर लाई थी मुझे वही कलर का रिज़ल्ट मिला है सेम, तो मैं तो बड़ी खुश हूँ ये करके। आप भी ये देख लो। अभी यहाँ पे मैंने जो है 12 जो केले ले लिए थे उनके छोटे छोटे से पीसेस करके इसको 12 आवर्स के लिए मैंने जो है वो फ्रीजर में रख दिया था। ये देखें कितने अच्छे से ये बिल्कुल हार्ड हो गए। कंडेंस्ड मिल्क जो कि 2 टेबल स्पून मैं इसमें करूँगी ऐड। ये कंडेंस्ड मिल्क जो है ये होममेड है मेरा। अगर आपने अब तक मेरी कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी नहीं देखी है तो आप उसे मसारा किचन के चैनल पे देख लें, नहीं तो फिर आप रेडीमेड ले लें। चलें जी, इसके साथ ही यहाँ पे मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ऐड करने लगी हूँ वनीला एसेंस। ये तमाम चीज़ें ऐड हो गई, अब मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड। ये आइसक्रीम नहीं है, ना ये कोई शेक है, ये एक डिज़र्ट टाइप का हमने बनाया है विदाउट क्रीम, विदाउट कुछ, मतलब एक डिज़र्ट है और ये बहुत मज़े का लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। ये देखें कितने अच्छी तरीके से ये ग्राइंड हो गया है। ये देखें कितना अच्छा इसका जो पेस्ट है रेडी हो गया। अब मैं इसको निकाल ले, ये रेडी हो चुका है और अब मैं इसे एक एयर पैक कंटेनर में इसको मैं कर दूंगी फ्रोज़न। जिस तरह से हम आइसक्रीम को एकदम एयर पैक करते हैं पॉलीबैग वगैरह लगा के, उसी तरह से मैं इसको भी उसी तरह से कवर आउट करके फ्रोज़न करूंगी। पर ये कोई आइसक्रीम या शेक नहीं, ये डिज़र्ट है, एक बनाना डिज़र्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़े का लगता है, ट्रस्ट मी। तो ये मैं फ्रोज़न करके आप ये चेक करें, ये हो चुका है और ये रेडी हो गया और अब मैं इसे सर्व करने लगी हूँ। ये बहुत मज़े का होता है। सो अब मेरा ब्लॉग यहीं तक का था, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मसारा किचन और मसारा ब्लॉग को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर लें। और बस आप इजाज़त दीजिए और मज़ेदार से डिज़र्ट को मुझे इंजॉय करने दीजिए। बाय बाय।